मोड्यूल 50 इंस्टीट्यूशनल फैक्टर बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेरिएबल्स देर इज आल्सो चेंज इन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जब हम बात करते हैं रोल आएगा गवर्नमेंट प्रोग्राम का गवर्नमेंट के डिफरेंट रेगोलेशन का स्पोजर में बात करूँ गवर्नमेंट प्रोग्राम की के गेंट यूजली अनौंसोर्स वीट बाई बाईं फॉर वीट तो क्या होता है देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ वीट इन दार्केट ये स्पोर्ट प्राइस एज ए इंस्ट्रूमेंट इंडिया में आप कह रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है उन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कोई फूड ग्रेन भी हैं पल्स भी हैं जो जिनके लिए वो स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं मार्केट में फिर इसी पैटर्न पे जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की रोल की बात करते हैं तो पंजाब में को हम डिफरेंट क्रॉपिंग ज़ोन्स में डिवाइड कर सकते हैं कि पंजाब में आपके पास राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम भी है आपके पास वहाँ पे कॉटन वीट क्रॉपिंग सिस्टम भी है और एक थर्ड सिस्टम है जिसको आप मिक्स्ड क्रॉपिंग जोन कहते हैं जब जिस जब आप कहते हो इन तीनों एरियाज में कॉमन फैक्टर क्या है कि वीट इज कॉमन क्रॉप फॉर लेकिन जब आप समर की बात करोगे एक सिस्टम में राइस मेजर क्रॉप है एक में कॉटन है और दूसरे में थर्ड वन में क्या है शुगर के केन होगा कहीं पे कॉटन है कहीं पे राइस है डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया अब बिकॉज ऑफ दीज क्रॉपिंग जोन अब सपोज अगर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू स्क्योर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन उसको स्क्योर करने के लिए इट माइट बी पॉसिबल गुट प्रोडक्शन ऑफ शुगर क्यों हो रहा है वो जो हमने अभी बात की थी कि देर इज चेंज इन रिलेटिव प्राइसिसन लेकिन कॉटन बड़ा रोल प्ले करता है

फेक्ट चेंज इन सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी फिर इन्वायरमेंट और रेगुलेशन भी बड़ा की रोल प्ले करते हैं इन देंज इन सप्लाई के अगर सपोज देयर इज द बैन ऑन दर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इट माइट बी पॉसिबल फॉर फार्मर ये कन्वीनियंट ही ना हो कि वो जी क्रॉप रेजिड्यू को बर्न ना करे फार्मर के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि वो क्रॉप का रेजिड्यू जो भी स्ट्राफ वगैरह है उसको आप कह लें कि एलिमिनेट करने के लिए उसको बर्न कर दें but if there is a ban, so it might be possible farmer shift its resources from production of one one agricultural commodity to another agricultural commodity. Then tariff and import policy. reference? it also influences the supply of one commodity. if there is a restriction on the import of agricultural commodities, because of that restriction, इन ऑन इम्पोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज ये क्या करेगा ये जी फार्मर को इंश्योर करेगा कि जो भी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चरल कमोडिटी के लिए उसकी प्राइस मार्केट में उसको बेहतर मिलेगी फिर इसी तरह कई दफा आपके पास डिफरेंट मार्केटिंग के रूल्स होते हैं कि मार्केट में क्या है जी सपोज देयर इज अ बैन ऑन द मार्केटिंग ऑफ हीफर्स ऑन द ईद उल अजहा क्या है दीज आर दंग कॉज ट कैन बी यूज टू ब्रीड हाँ जी अगर आप ईद पे उनकी आप कह लें के उनको कल करने से अगर आप उनको रोकते हो कि उनको जिबा नहीं किया जा सकता ईद उलहा पे तो क्या होगा क्या जी इट विल इंक्रीज दप्लाई ऑफ हैंगज की मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इफ गवेंट पुट इफ देर इज अ बैन ऑन दूजेज ऑफ हैिफेशन फिर इसी तरह हमने वो ट्यूजडे थर्सडे को क्या होता है देर इज अ बैन आर इज अम देर इज ऑफ मटन एनिमल्स हाँ जी छोटे गोश्त का नागा होता है ट्यूजडे और वेडनसडे को उससे भी क्या होगा इट आल्सो हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई ऑफ हैल आउटपुट इन द मार्केट जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की तो इन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आपके पास आता है रोल इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का इनमें रोल आता है आपके टैरिफ एंड इंपोर्ट पॉलिसी का यहां पे रोल आता है आपके गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन का ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन वन पर्टिकुलर क्रॉपिंग जोन यहां पे रोल आता है गवर्नमेंट का इन गवर्नमेंट का इन फॉर द प्रमोशन ऑफ वन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस और ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे ऑल दीज फैक्टर्स विल चेंज द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द market.